बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। दो रवायती हरीफों में क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग, पाक भारत असाब शिकन मुकाबले में बस 1.5 घंटा रह गया। हाई वोल्टेज मैच के लिए दोनों टीमें स्टेडियम पहुंच गईं। इब्तदाई मैचेस में फतुहात के बायस दोनों टीमों का मोराल हाई। ग्रीन शर्ट्स का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रहेगा। अहमदाबाद में आसमान साफ, बारिश का कोई इम्कान नहीं। 1 लाख से ज्यादा तमाशाई स्टेडियम पहुंच गए। हाई वोल्टेज मैच से कब्र मौसीकी का तड़का, म्यूजिकल तकरीब कुछ देर बाद शुरू होगी। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत समेत फिल्मी सितारे और नामवर गुलकार मैदान में उतरेंगे। खेलों ने भारत को होम ग्राउंड पर शिकस्त देने की ठान ली। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच का कोई दबाव नहीं, इंजॉय करके खेलेंगे। शहनशाह अफरीदी ने कहा है कि प्रेशर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, भारत पर भी होगा। हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत नजर आने का दावा कर दिया। अपने घर फौरी छोड़ दो, इसराइली फौज ने गजा में पंपलेट्स गिरा दिए। इसराइल की गजा की तरफ जमीनी पेशकदमी शुरू। इसराइली टैंक सरहद अबूर करके गजा के अंदर दाखिल हो गए। इसराइली फोर्सेस की बमबारी से शुमाली गजा से नकल मकानी करते 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनियों की तादाद 1800 हो गई, 7000 से ज़ायद जख्मी। दूसरी जाने फलस्तीनी मुजामती तंजीम हमास का गजा न छोड़ने का ऐलान, इसराइली अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। और गजा के लिए इसराइली अल्टीमेटम अक़्वामे मुत्तहिदा ने खतरनाक करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल को गजा नकल मकानी के तबाहकुन असरात का खदशा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस 11 लाख फलस्तीनियों के हक में बोल पड़े। काम मुतासरा इलाके पहले ही मुआसरे और बमबारी की जद में है। फलस्तीनी ईंधन, बिजली, पानी और खुराक से महरूम है। हेडलाइंस जानने जानी एवन टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी। एवन टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।